नमस्ते स्टूडेंट, माइसेल्फ जेवीएम मिस्टर कन्हैयालाल नागर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लास। स्टूडेंट, आई विल प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 6th सेमेस्टर। My subject post harvest management and validation of fruit and vegetables. Student, I am discuss about concept and standard drying and dehydration of fruit and vegetables. Now start define drying and dehydration. Drying is a old method of preserving food throughout history. This sun, the wind and a smoky fire were used to remove water from fruits, meats, grains and herbs. By definition, fruit dehydration is the process of removing water from fruits by circulating hot air through it, which prohibit the growth of enzyme and bacteria. और दूसरी जो डेफिनेशन है, एक और, ड्राइंग इज एप्लीकेशन ऑफ हीट अंडर कंट्रोल कंडीशन टू रिमूव वाटर बाय इवेपोरेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। फर्स्ट, ड्राइंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, डिहाइड्रेशन इज ए आर्टिकल प्रोसेस। सेकेंड, ड्राइंग इट डज नॉट हैव माई हैव एनी कंट्रोल योर क्लाइमेटिक कंडीशंस। सेकेंड, डिहाइड्रेशन इट हैव ए कंट्रोल ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन। देन ड्राइंग ड्राइड प्रोडक्ट डज नॉट हैव गुड क्वालिटी। एंड डिहाइड्रेशन के अंदर आता है कि ड्राइड प्रोडक्ट गुड क्वालिटी। इसके बाद हैं, ड्राइड में मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। इसके अंदर है, डिहाइड्रेशन के अंदर सैनिटरी कंडीशन आर कंट्रोल्ड विद इन डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसके बाद है, नहीं इसमें है, मोर स्पेस इज रिक्वायर फॉर ड्राइंग। एंड इसके अंदर है, लेस स्पेस इज रिक्वायर बिकॉज इट अकर्स विद इन चेम्बर्स। इसके बाद में ड्राइंग में कंटामिनेशन फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स आर मेजर प्रॉब्लम। इसमें सैनिटरी कंडीशन आर कंट्रोल्ड विद इन डिहाइड्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, इट इज ए लेस एक्सपेंसिव। एंड जो डिहाइड्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, इसका क्या क्या सिद्धांत है ड्राइंग ऑफ डिहाइड्रेशन का। इसमें फर्स्ट में, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, मॉल्ड रिक्वायर वाटर फॉर दियर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, विच कॉज फूड स्पॉइलेज एंड डीके। सिंस वाटर एज ए पोटेंशियल व्हीकल्स फॉर पैथोजन्स इन ए फूड चेन एंड इट हैज टू बी रिमूव्ड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट प्रोडक्ट। इसमें बताया कि जो वाटर की जो एक्टिविटी वाटर होता है फ्रूट्स के अंदर, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है, ये वाटर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में वृद्धि होती है। इसी कारण फ्रूट्स को ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस मतलब किया जाता है। इसके बाद में, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज ए आइडियल प्रोसेस एप्लीकेबल टू ऑल फूड मटेरियल सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्स, मिल्क, मीट, पीस एक्सेट्रा टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इन एग्रीकल्चर एंड फूड मटेरियल्स अफेक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट विच ड्यू टू माइक्रोबाइल स्पॉइलेज, ऑक्सीडेशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड। इसके अंदर बताया, जो ड्राइंग एंड जो डिहाइड्रेशन जो सिस्टम होता है मेथड्स, इसको हम प्रिजर्वेशन के
अंदर इसको यूज किया जाता है, जिससे फ्रूट्स एंड एग्रीकल्चर के जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं और जो फूड होते हैं उनको रिजर्व करने के लिए ऑन लॉन्ग टाइम के लिए उसे प्रिजर्व किया जा सकता है बाय द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मेथड के द्वारा। इसके बाद में जो ड्राइंग फूड हैं एंड फ्रूट्स हैं इसके अंदर हम बात करते हैं। फर्स्ट में ड्राइड प्लम, ड्राइड पियर्स, ड्राइड बनाना एंड ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राइड एप्पल, ड्राइड पपाया, ड्राइड ग्रेप्स, इसके बाद है ड्राइड पीच एंड ड्राइड फिग। इसमें देखो आपने कभी देखा होगा जो किशमिश होता है उसको, जो ग्रेप्स होते हैं उसको ड्राई करके और उससे किशमिश तैयार किया जाता है। वैसे कई प्रोडक्ट होते हैं जो फ्रूट से तैयार किया जाता है ड्राइड फॉर्म में। नेक्स्ट फ्लो चार्ट ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग का जो फ्लो चार्ट है इस टाइप से हैं। फर्स्ट में हम सेलेक्ट करते हैं फ्रूट्स को, सेकंड में वॉशिंग करते हैं, थर्ड में प्रिपरेशन करते हैं, इसके बाद हम फोर्थ में फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बाद हम स्प्रेडिंग ऑन ट्रे में स्प्रेड कर देते हैं, इसको बिछा देते हैं ट्रे के अंदर, इसके बाद ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस की जाती है, फिर उसके बाद पोस्ट ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट किया जाता है, लास्ट में पैकेजिंग एंड स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट ड्राइंग गाइड। जो एप्पल होगा, एप्पल फ्रूट्स हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो उसका फ्रूट्स हैं उसका जो कवर होता है कोट, जो ऊपर का बाहरी कवर होता है उनसे हम पील करते हैं एंड कोर एंड स्लाइस इनटू, जो स्लाइस का जो पार्ट होता है लगभग ये 3 से 3/8 इंच रिंग में, और कट इनटू उसका जो कट किया जाता है उसे 1/4 इंच में, जो स्लाइस फोर में प्री ट्रीटमेंट कर, इसके बाद हम उसको प्री ट्रीट करते हैं एंड ड्राई 6 to 12 hours, मतलब 6 से 12 घंटे के लिए उसे ड्राई किया जाता है। इसके बाद ही एप्रीकोट, एप्रीकोट का भी यही है, कट इन दी हाफ, उसको कट करते हैं एप्रीकोट को हाफ पार्ट में एंड उसे टर्न द इनसाइड आउटर टू ड्राई, इसके बाद उसे टर्न करते हैं इनसाइड अंदर से, अंदर की साइड को उसको ड्राई करते हैं एंड प्री ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद ड्राई करते हैं 8 से 20 घंटे के लिए। इसके बाद बनाना का भी पील करते हैं, उसका जो कवच होता है बाहर का जो छिलका होता है उसे पील करते हैं, निकाल देते हैं, इसके बाद कट इनटू 1/4 इंच में स्लाइस फोर में एंड प्री ट्रीट करते हैं, फिर ड्राइंग एट टू 16 hours, मतलब 8 से 16 घंटे के लिए अनटिल आलमोस्ट। इसी टाइप से सब में यही सेम होता है प्रोसेस। आगे है ड्राइंग इन एप्पल फ्रूट्स, जो एप्पल फ्रूट्स होता है उसको कैसे ड्राइंग किया जाता है, इसके अंदर बताया है कि सिलेक्शन ऑफ फर्म फ्रूट्स, फ्रूट्स वॉशिंग, फील्डिंग कोर एंड स्लाइस इनटू 3/8 इंच रिंग्स, इसके बाद है फ्री ट्रीटमेंट, इसके बाद हैं रेडी ऑन ट्रे स्प्रेड, जो स्प्रेड करते हैं ट्रे में, इसके बाद हैं ड्राई फॉर 6 to 12 hours, इसके बाद पैकेजिंग एंड स्टोरेज। जैसे हमने देखा होगा कभी जो आमचूर होता है जो रॉ मैंगो पाउडर से बना हुआ रहता है, इसमें हम कैसे इसको तैयार करते हैं। फर्स्ट में सेलेक्ट मैच्योर ग्रीन मैंगो, सेकंड में उसको वॉश करते हैं, वॉश के साथ इसको पील करते हैं, फिल एंड पील के बाद एंड कट इनटू स्लाइस में, इसी का जो सेकंड पार्ट, सेकंड में हम उसको डिप करते हैं 2% 2% 2% साल्ट सॉल्यूशन फॉर 1 hour, इसके बाद उसे ड्रेन करते हैं मतलब सुखाते हैं, फिर इसके बाद डिप करते हैं 0.4% KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सॉल्यूशन में फॉर 2 hours, इसके बाद ड्राई स्लाइस, उसको भी स्लाइस को ड्राई करते हैं लगभग 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड पाउडर ड्राइड स्लाइस इन मिल, फिर इसको मिल में पाउडर के रूप में ड्राइड करते हैं, इसके बाद फिल इनटू एयर टाइट कंटेनर, इसको फिर फिलिंग कर लेंगे कंटेनर के अंदर एयर टाइट एंड स्टोर करते हैं इसको ड्राइड प्लेस में। इसके बाद ड्राइंग ऑफ बनाना, बनाना के अंदर भी हम बात करते हैं सेलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फिर इसके बाद वॉशिंग, फिलिंग, स्लाइस, जो उसका स्लाइस होगा पीस ऑफ पार्ट
लगभग कितना होना चाहिए, 12 mm मतलब 12 mm टिक्स, एंड उसके बाद स्प्रिट करते हैं ट्रे के अंदर। उसके बाद सल्फ्यूरिक्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं 1.8 to 3.6 किलोग्राम पर टन के हिसाब से, एंड ड्राइंग अनटिल प्लाइडेबल और या क्रिप्स। उसके बाद पैकेजिंग एंड स्टोर। इसके बाद और आगे ड्राइंग ऑफ आंवला, आंवला में भी इसी सेम प्रोसेस होती है। इसके बाद में ये आंवला की जो प्रोडक्ट तैयार हो गया ट्रीटमेंट। इसके बाद ये स्टेप फॉर द वाटर ब्लांचिंग, ये सब प्रोसेस के अंदर बताई जा रही है। ड्राइंग टेक्निक, जो ड्राइंग टेक्निक होती है इसके अंदर हम कौन कौन से मेथड की यूज करते हैं। फर्स्ट में सन ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, सोलर ड्राइंग, फ्रीजिंग ड्राइंग, ऑस्मेटिक ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, ओवन ड्रायर एंड ट्रे ड्रायर, टूनल ड्राइवर, रोलर एंड ड्रम ड्राइवर, बिन ड्राइवर एंड बेल्ट ड्राइवर। जैसे इसमें बताया है कि सन ड्राइविंग, सन के अंदर इसमें ओनली सन जो रिसोर्स, सन ही है सबसे बड़ा उसको ड्राई करने का। इसमें है टू सन, टू ड्राई इन द सन, हॉट ड्राई डे आर द बेस्ट। इधर है वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग के अंदर हम बात करते हैं। वैक्यूम ड्राइंग इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। द प्रोसेस ऑफ वैक्यूम ड्राइंग कैन बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन यूज एट हीट। उसके अंदर हीट को ऐड करते हैं जिससे प्रोडक्ट के अंदर जितना भी एक्टिविटी वाटर होता है वह वेपर के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसके बाद सोलर ड्राइंग होता है इसके अंदर, ये अभी प्रेजेंट टाइम पे, रिसेंट टाइम पे इसको सबसे ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। ये सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट, बेस्ट टेक्निकल तरीका है। और इसमें जो इम्प्रूव ऑन द सन ड्राइंग एंड द लेड एंड द सोलर ड्राइंग, इसका सोलर ड्राइंग से सबसे अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है। सोलर ड्राइंग आल्सो यूज इन सन एट द हीट सोर्स, ये हीट सोर्स का काम करती हैं। इसके बाद है फ्रीजर ड्राइंग, जो फ्रीज ड्राइंग होता है इसमें, द फ्रीज ड्राइंग आल्सो नॉन एज दी क्रायो बेसिकेशन, इट इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, इसे हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं। एंड यूज टी प्रिजर्व एंड पेरिसिबल मेटेरियल्स मेक द मेटेरियल मोर कन्वेंशनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में है ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन, जो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन होता है इसे हम पार्शियल डिहाइड्रेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑल्दो इट डज नॉट रिमूव इनफ मॉइस्चर, ये एक तरीके से जो ड्राइंग प्रोसेस होती है ड्राइंग मेथड के बेसिस पे ये इतना अच्छा काम नहीं करता, ये ओनली थोड़ी बहुत इनफ मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, बस इतना है इसका। इसके बाद द प्रोसेस हैज द एडवांटेज ऑफ टेक्निकल लिटिल एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वह एक लीटर एनर्जी के रूप में रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी की खपत नहीं होती है इस प्रोसेस के अंदर। एंड इट वर्क वेल एज द फ्री ट्रीटमेंट पीरियड एंड ड्राइंग अदर मेथड्स। इसके बाद में ओवन ड्राइंग, जो ओवन ड्राइंग आपने देखा होगा लेब के अंदर, जो हीट ट्रीटमेंट देने में हेल्प होता है। इसमें द ऑन ओवन इज आइडियल फॉर ओकेजन ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स लेदर, इट माई नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर प्रिजर्विंग अराउंड गार्डन प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ओवन ड्राइंग इज स्लो देन डिहाइड्रेटर। जो ओवन ड्रायर होता है ये स्लो प्रोसेस होती है कंप्रेशन डिहाइड्रेटर। एक है ट्रे ड्रायर, जो ट्रे ड्रायर होता है ये स्प्रिट आउट द जो इस पर जो फ्रूट्स होते हैं उसको स्प्रिट रूप में बिछा देते हैं एक थिक लेयर में, एंड इसके बाद इसके अंदर हीट को अप्लाई किया जाता है, हीट उसके अंदर दी जाती है। एंड एयर करंट स्वीपिंग अक्रॉस द ट्रे बाय कंडक्ट एंड हीट ट्रे, मोस्ट ट्रे ड्रायर हीट बाय एयर, मतलब एयर के द्वारा उसको हीट दी जाती है। ये टूनल ड्राइवर एंड रोलर ड्राइवर इस सब तरह से ही है, बिन ड्राइवर्स एंड बेल्ट ड्राइवर्स। थैंक यू।